दोस्तों, आज हम जानेंगे एक ऐसे प्राणी के बारे में जिसके बारे में ना तो आपने कभी सुना होगा और ना ही उसे देखा होगा। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे किंग क्रैब के बारे में। किंग क्रैब जो डेकापोड क्रस्टेशियन फैमिली से बिलोंग करते हैं और पूरी दुनिया में किंग क्रैब की टोटल 120 से भी ज़्यादा प्रकार की प्रजाति पाई जाती है। और किंग क्रैब एक मांसाहारी प्राणी है और किंग क्रैब ज़्यादातर स्नेल्स, सी स्टार्स, फिश और वर्म्स को ही कंज्यूम करते हैं। और समुद्रों में किंग क्रैब का शिकार ज़्यादातर पैसिफिक कॉड्स, हेलीबर्ट, ऑक्टोपस और सी ऑटर्स करते हैं। और किंग क्रैब समुद्र के 300 फीट गहराई में पाए जाते हैं और वैज्ञानिकों के अनुसार समुद्र में किंग क्रैब तैर नहीं सकते, वे सिर्फ अपने पैरों के सहारे एक जगह से दूसरी ओर तक पहुंचने में मदद करते हैं। और किंग क्रैब पूरे दिन में तकरीबन 1 किलोमीटर ट्रैवल कर सकते हैं। और किंग क्रैब के पास ब्लू कलर का ब्लड पाया जाता है क्योंकि उनके ब्लड में हेमासिनिन ब्लड पिगमेंट जिसके अंदर कॉपर पाया जाता है। और रेड ब्लू गोल्डन किंग क्रैब जो कमर्शियली बहुत ही महत्वपूर्ण है और इंसानों की ओवरफिशिंग, हंटिंग और पोल्यूशन की वजह से हर साल किंग क्रैब की संख्या भारी मात्रा में कम होती जाती है। और वैज्ञानिकों के अनुसार किंग क्रैब एक सॉलिटरी एनिमल है, मतलब वह प्राणी जो अपना जीवन ज़्यादातर अकेले ही बिताना पसंद करते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार किंग क्रैब की साइज और वेट निर्भर करता है किंग क्रैब की प्रजाति के ऊपर, लेकिन एक एवरेज किंग क्रैब की लंबाई तकरीबन 11 इंच तक हो सकती है और वेट तकरीबन 16 किलोग्राम से भी अधिक हो सकता है। और किंग क्रैब के पैरों की लंबाई तकरीबन 6 फीट से भी अधिक हो सकती है। और समुद्रों में किंग क्रैब तकरीबन 30 साल से भी अधिक जी सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आप इसी तरह से एनिमल्स के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, क्योंकि हम इसी तरह से एनिमल्स के बारे में जानकारी देते रहते हैं। और यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। एंड यस फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।